धर्मियों आकाशवाणी हुई आप हमें पहुंचा दो। ब्रह्म आया है इसलिए बंधन टूट गए। टोकरी में बालक को रखा लेके चले हैं। भादम का महीना है, कहां पहुंचे यमुना मैया किनारे। कोई पुल नहीं, कोई नाव नहीं। विचार किया वापस चले, जैसे पीछे मुड़े तो एक सिंह गर्जना कर रहा। तो वहीं पर वसुदेव जी चिल्लाए, कोई लो। आज भी वहां पर एक ग्राम बस गया और जिसका नाम है कोइलो। अरे इसके बाद जमुना मैया में प्रवेश किया, भगवान का चरण स्पर्श किया, पाई हो। यशोदा मैया के महल में पहुंचे, यशोदा की पीठ के पीछे बालिका लेटी। अरे ध्यान देना, हमारा निर्णय सिद्धू कहता है कि जो स्त्री बच्चे को पीठ नहीं दिखानी चाहिए, जिसने अगर पीठ दिखा दी उसके बच्चे को बहुत समस्याएं आती है। इसका मतलब ये अंदाज मत लगा लेना, ये सौदा के लड़का पैदा, वो लड़की पैदा हुई थी, वो लड़का बन गया और किसी माता के बच्चा उत्पन्न हो, माने बच्ची उत्पन्न हो, बाहु लड़का बनाने के चक्कर में पीछे लिटाई जाए। तो भैया वो तो बन गया, वो ये सौदा थी। आपका बच्चा जो है ना, वो लड़की अगर पैदा हुई आपने पीछे लिटा दिया तो सियाल लुखड़िया और रात में खींच ले जाए। कम से कम एक महीना अपने बच्चे को पीठ नहीं देनी चाहिए और 10 दिन तो बिल्कुल पीठ नहीं देनी चाहिए। बालिका को सूप में रखा, लेके आया कारागृह में। माया ये जहां माया होगा बंधन भी होगा, भय भी होगा। कंस को सूचना मिली, आकर के उसने पैर पकड़ के मारना चाहा, वो आकाश में पहुंची। दुष्ट तो मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला कहीं पैदा हो गया ही नहीं, का वो पहुंच गया है गोकुल। आइए चलते हैं बाबा नाम क्या। न कोई परेशानी, न दाई की जरूरत पड़ी। हाथ भरे का लाला पीठ के पीछे लेटा पाया, कितनी माता प्रसन्न हुई होगी। परहापीड्यम वरहापीड्यम वरहापीडम, जो मोर पंख धारण करने वाला कनक कपिशम भगवान को, ये कनेर होता ना कनेर, आप जानते हो पीला। हमारे अनुपम सुबह सुबह हमारे लिए वो पूजन का सामान लेके जाते हैं। अब उसमें कनेर बहुत होते हैं फूल। भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, भगवान कृष्ण को भी बहुत प्रिय है। कनक कपिशम पयेज यंती चमालां रंध्रान बेड़ो राधार सुधया पूरयन गोप वृंद ही वृंदारण्यं सुपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। बाबा नंद गौशाला में गौ सेवा कर रहे हैं। जहां गौ सेवा करोगे वहां कृष्ण आएंगे। आप लोगों के लिए तो बहुत सुविधा है,
इस वृंदावन में अभी इसको गधेड़ी नहीं कहेंगे, वृंदावन कहेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने देखा, मैं जहाँ निवास कर रहा हूँ तो वहीं भदौड़िया साहब गौ सेवा करते हैं, और भी हमारे लिए भी देसी गाय का दूध आता है, आप लोगों सेवा करते हैं न करते हैं तो बहुत सुविधा है। आपके खेड़ा में गौशाला बढ़िया है, घर में नहीं सेवा कर पाते हो तो वहां सहयोग किया कर। जरूरी नहीं कि तुम उन हजारों लाखों दे, तुम्हारी श्रद्धा 100 रुपया की 100 रुपया पहुंचा, कितना सुविधा अपना उनको खेड़ा में। हमारे गौ सेवक देखो पधारे हो, हमारे दीक्षित जी, हमारे मास्टर साहब विनय जी प्यारे, जो गौ सेवा करता है उसके घर में भगवान कृष्ण सदैव रहता है, जाता नहीं कहीं। जिसके घर में गौ सेवा होती है उसको पितृदोष नहीं लगता है, कभी पितृदोष नहीं लगता है जिसको गौ सेवा होती है। अरे बाबा नंद की बहन सुनंदा भाग करके पहुंची, बाबा लाला भयो, सारे लोग भाग खड़े हुए, नंद के लाला भयो भाग खड़े हुए लोग। आइए हम पी सकते हैं बाबा नंद के घर में, और एक पहले हमारे गोपाल बाबा जी के द्वारा एक बधाई आप सुनिएगा, और उसके बाद फिर नंदोत्सव हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। कल के विषय में बता दें, कल श्री गिरिराज भगवान का पूजन है, आपके यहाँ जैसी परंपरा हो खीर और मीठी पूड़ी, पिटौआ, पिटौआ हमारे यहाँ कहे जाते हैं, मीठी पूड़ी और खीर है, निष्ठान है, जैसे भी आप लोग गिरिराज भगवान का पूजन करते हो, कल गिरिराज भगवान जी का पूजन होगा। कलिकाल में दो देवता बिल्कुल प्रमुख हैं, एक गिरिराज भगवान प्रत्यक्ष देवता, दूसरे बालाजी महाराज, तिरुपति बालाजी महाराज प्रत्यक्ष देव हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि हम लोग नर्मदेश्वर नर्मदा जी स्नान करने जाएं तो वहां से नर्मदेश्वर लाते हैं, लाते हो ना। लेकिन आपने कभी देखा है कि आप लोग गोवर्धन पर्वत जाएं, गोवर्धन पर्वत का हम लोग परिक्रमा लगाते हैं तो कभी गोवर्धन का एक टुकड़ा भी हम लोग लाते हैं, कोई लाया लाया नहीं जाता, क्योंकि लाखों लोग जहाँ पर परिक्रमा करते हैं, अब वहां से अगर वो लोग एक टुकड़ा ले आवे तो हमारी समझ में साल भर गोवर्धन जी का पता नहीं रहेगा। दूसरी बात, गोवर्धन जी बिल्कुल प्रत्यक्ष देव है, उनके शरीर को भंग नहीं किया जाता, शरीर को नोचा नहीं जाता, इसलिए गोवर्धन जी को कभी टुकड़ा नहीं लाते। अब ये तिरुपति बालाजी प्रत्यक्ष देव है, तो कल हम लोग गिरिराज भगवान का सब लोग पूजन करेंगे। अब और झांकी भी है हमारे बाबा जी के द्वारा, बधाई सुनो, झांकी भी आप लोग देते हैं, पूजन होगा, आरती प्रसाद लेकर के ही आप लोग जाएंगे।
में बजरे आज बजा।